उत्तर प्रदेश में जारी बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर योगी सरकार को जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसमें राजनीति ना ढूंढें। अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो चाहे तो आप बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिए। कहना चाहती हूँ कि देखिए, 4 बजे 24 घंटे हो जाएंगे कि ये बसें उपलब्ध हैं। अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो इस्तेमाल करिए, हमें अनुमति दीजिए। आपको भाजपा के झंडे लगाने हैं इन पे, अपने भाजपा के स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाइए, बेशक लगाइए। आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्ध कराई हैं तब भी कराइए, लेकिन इन बसों को चलने दें। क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलझन में पड़े रहे हैं ना, जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इश्यूज उठा रहे हैं, तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे। और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं, उनके सामने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ, हमारी बसें वहाँ पे 4 बजे तक खड़ी हैं। आपको इस्तेमाल करनी है तो आप हमें परमिट दीजिए, अनुमति दीजिए कि हम उनका संचालन करना कर सकें। अगर आपको नहीं इस्तेमाल करनी है तो भी कोई बात नहीं, हम उनको वापस भेज देंगे। हमने 3 दिन पहले भी वापस भेज दिया था 500 बसों को, हम वापस भेज देंगे। जिस तरह से हम लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे लोग हर ज़िले में, हर शहर में, हमारे कार्यकर्ता प्रवासी भाई बहनों के और लॉकडाउन और महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उस तरह से हम करते रहेंगे। हमें कोई परवाह नहीं है कि आपकी बसें हैं या हमारी बसें, हम सिर्फ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे।